वन अपॉन टू इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू एट प्लस टर्न डॉट प्लस जनरल टर्म वन अपॉन थ्री के माइनस वन थ्री के प्लस टू इज इक्वल के अपॉन सिक्स के प्लस फोर। अब यहां पर केस टर्म आपको प्रूव करना है के प्लस वन के लिए, तो एक टर्म और आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इतना तो आपको नकल ही करना पड़ेगा, वन अपॉन टू इंटू फाइव प्लस वन अपॉन फाइव इंटू एट प्लस डॉट डॉट प्लस यही लिख लो पहले, तो थ्री के माइनस वन थ्री के प्लस टू। अब इसके आगे वाला लिखना है के की जगह के प्लस वन, तो वन अपॉन थ्री इंटू के प्लस वन माइनस वन, समझ रहे होंगे, के की जगह के प्लस वन रखना है इसी में। और अगला स्टेप, अगला फैक्टर थ्री के प्लस वन और प्लस टू के हो गया। अब ये स्टूडेंट ध्यान देना जरा, इसकी वैल्यू क्या है ये आपको दिया गया है, तो रख दो इसकी जगह पे के अपॉन सिक्स के प्लस फोर रख दिया। और इधर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो पे अटेंशन प्लीज, थ्री के प्लस थ्री होगा, थ्री में से एक चला जाएगा, आ जाएगा क्या थ्री के प्लस टू, वेरी नाइस। और थ्री के प्लस कितना हो जाएगा, प्लस थ्री प्लस टू प्लस फाइव हो जाएगा, तीन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस फाइव हो जाएगा। नाउ पे अटेंशन, अब जरा यहाँ पे जरा देखो कुछ कॉमन है, कॉमन यहाँ टू है, तो थ्री के प्लस टू, और इसे ऐसा ही नकल कर दो, कॉपीइंग इट प्रॉपरली थ्री के प्लस टू थ्री के प्लस फाइव।